तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही नहीं उनका जन्मदिन मना रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो रायबरेली से आइए तस्वीरें देखिए। आज जगह जगह पूरे देश में बीजेपी अपने नेता और देश के पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मना रही है। मोदी के जन्म दिवस की धूम सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भंडारा किया और अस्पतालों में जाकर मरीजों को फल बांटने का काम भी किया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अपने नेता के जन्म दिवस की वजह से सेवा सप्ताह दिवस मना रही है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में हमारे जनपद में एक हरचंदपुर विधानसभा है, जहां से कांग्रेस के विधायक श्री राकेश सिंह जी हैं और वह उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य आदि की कामना करते हैं और समस्त पंचवटी परिवार की ओर से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे और हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकें, हम आपके राष्ट्र अपने राष्ट्र के गौरव को बढ़ा सकें, इस निमित्त भगवान श्री सूर्य नारायण की उपासना यज्ञ अनुष्ठान इस निमित्त से किया जाएगा, जिसमें पाठ भी होगा, मंत्र जप भी होगा और शाम को विसर्जन के रूप में हवन करके इस पूर्णाहुति को किया जाएगा। पीएम के जन्मदिन के मौके पर बड़ा दिलचस्प नज़ारा भी देखने को मिला, जहां बीजेपी नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, बल्कि हरचंदपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक राकेश सिंह ने शहर के जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में पीएम की दीर्घायु के लिए सूर्य पूजा और सूर्य यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन में विधायक राकेश सिंह के सैकड़ों समर्थक पार्टी लाइन को किनारे करके शामिल हुए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके दीर्घायु होने की, और जैसे सूर्य पूरे विश्व को उजाला दे रहा है उसी तरह मैं कामना करता हूं सूर्य देव के यज्ञ से कि वही पूरे विश्व को इसी तरह प्रकाशमान करें, इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है और उनका जन्मदिन मनाना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कांग्रेस से विधायक हैं और ऐसे में पार्टीगत विचारधारा के अंतर्गत विरोधाभास है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पद और वो अस्थाई होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य जो अच्छा हो उसके लिए चाहे विरोधी हो चाहे पक्ष का हो, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। और योगी और मोदी, इनको मेरे ख्याल से पुरुष मानना ये उचित नहीं, ये सब महापुरुष हैं कि और बहुत दिन बाद ऐसे लोग देश में आते हैं जो अच्छा काम करके जाते हैं। आज तक जितने फैसले मेरी भी आयु लगभग 45-46 साल हो गई है, तमाम प्रधानमंत्री देखे, तमाम नेता देखे, लेकिन जो देश हित में जो निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया वो मेरे ख्याल से कोई आज तक ले नहीं पाया। कांग्रेस विधायक राकेश सिंह द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सूर्य यज्ञ किए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीके शुक्ला का कहना है कि वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और आज विपक्ष का गुणगान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को तुरंत पार्टी से निकाल देना चाहिए, ऐसे लोगों ने पार्टी का नाम बेचा है। उन्होंने सवाल किया कि क्यों विधायक राकेश सिंह और उनके भाई MLC दिनेश सिंह पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि जो लोग कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े हैं और जीते हैं और आज वो भाजपा में जा करके उनका गुणगान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से तुरंत निकाल देना चाहिए, किसी भी कीमत पे एक क्षण भी इनको नहीं रहने देना चाहिए। पार्टी का नाम बेचा इन लोगों ने, बेच खाया, और ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो MLC हो और चाहे ये राकेश सिंह विधायक जो आज मोदी की पूजा कर रहे हैं, ये क्यों नहीं पार्टी छोड़ के चले जाते, क्यों कांग्रेस के टिकट पे जीत करके गए हैं, आज तक उसी का झंडा बैनर लगाए हैं। भाई आप इस्तीफा दीजिए और चुनाव लड़के अगर आपकी है हैसियत चुनाव जीत करके जाने की तो चुनाव जीत करके जाइए। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी की खुमारी या बीजेपी नेता और कार्यकर्ता नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं के सिर पर चढ़कर बोल रही है, जिससे कांग्रेस में सवाल हो रहे हैं और शायद इस तरह से किसी का कथन भी सही हो रहा है कि कांग्रेस ही बीजेपी और बीजेपी ही कांग्रेस।
रिपोर्ट हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।